ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, बढ़ कहाँ रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहाँ रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। में छूटने के बाद उन्होंने सवाल एक उठाया है कि रिटायरमेंट का, प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाया कि उम्र उनकी 74 हो गई है, 75 अगले साल, इस तरह की बातें उन्होंने कही, क्या कहा? देखिए, इस देश की जनता, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है, ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए।